हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12वीं के इंग्लिश के शॉर्ट स्टोरीज बुक से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द गोल्ड वॉच। और द गोल्ड वॉच चैप्टर का लेखक है पोंजीकारा रफी। इस चैप्टर को हम इसमें इंग्लिश को हिंदी में समझाएंगे पूरा ट्रांसलेट करके। इस चैप्टर को पूरा देखिए, जो एग्जाम में इस चैप्टर से 8 नंबर का पूछा जाता है। इस चैप्टर को पूरा एंड तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे समरी ऑफ द स्टोरी, मतलब द गोल्ड वॉच के समरी ऑफ द स्टोरी। मतलब इस स्टोरी को हम हिंदी में आपको पूरा अर्थ बताएंगे। तो पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, पहला नंबर जो हमारा है स्टेप लिखा है कि शंकु इज पॉवर्टी, मतलब शंकु की निर्धनता। निर्धनता मतलब होता है गरीबी, ठीक है ना। शंकु की गरीबी की बात पहले स्टेप में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है शंकु वाज ए पुअर फैक्ट्री वर्कर। शंकु नाम है यहाँ पर, वाज था ए पुअर मतलब एक गरीब, फैक्ट्री मतलब होता है कारखाना या फैक्ट्री भी कह सकते हैं, और वर्कर मतलब होता है मजदूर, ठीक है ना। शंकु वाज ए पुअर फैक्ट्री वर्कर, शंकु एक निर्धन फैक्ट्री मजदूर था, या कह सकते हैं शंकु एक गरीब फैक्ट्री मजदूर था। ही ऑलवेज थॉट ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ केस्ड बाय हिज पॉवर्टी। इसका मतलब हुआ कि ही ऑलवेज थॉट, ही मतलब वह, ऑलवेज मतलब हमेशा, थॉट मतलब सोचता था, ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ। इसका मतलब हुआ कि वह हमेशा सोचता था अपने जीवन की दुखदायी समस्याओं पर, जो गरीबी के कारण हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इन अनदर थ्री डेज। इन अनदर थ्री डेज का मतलब होता है, इसका मतलब ही होता है कि अगले 3 दिनों में, इन अनदर थ्री डेज, अगले 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे ऑफ 13 रुपीज फॉर 13 डेज। अगले 3 दिनों में, इसका मतलब अगले 3 दिनों में वह 13 दिनों के लिए अपना 13 रुपया वेतन पाएगा, ठीक है ना। इसका वही मतलब है, ठीक है। बट ही हैड टू पे हिज डेब्ट्स आर लोन। बट मतलब लेकिन, ही हैड टू पे लेकिन उसे चुकाना था, ही डेबिट डेब्ट्स आर लोन वही ऋण, लेकिन उसे उसको अपने कर्ज चुकाना था, ठीक है ना। लेकिन उसे अपने क्या चुकाना था, कर्ज चुकाना था। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज फॉर परचेज एट द स्टोर। इसका मतलब है उसको 4.5 रुपए भंडार में, भंडार से खरीदारी के लिए चुकाना था। उसे 4.5 रुपए भंडार से, भंडार के खरीदारी से क्या करना था, चुकाना था, ठीक है। अब यहाँ पर देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, केवल 8.5 रुपए शेष उसके पास बचे थे। उसके पास कितने बचे थे, केवल 8.5 रुपए बचे थे। कहेंगे कि देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज, केवल उसके पास 8.5 रुपए बचे थे। तो आज ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड, जो कि डेब्ट्स आर शंकु, मतलब शंकु का कर्ज, ठीक है। तो सेकेंड नंबर को देखेंगे कि डेब्ट्स आर शंकु, मतलब कि शंकु का कर्ज। ही हैड टू रिपे द बैलेंस ऑफ 5 रुपीज एलोन विथ इंटरेस्ट ऑफ द फाउंड। इसका मतलब हुआ ही हैड टू रिपे द बैलेंस ऑफ 5 रुपीज, मतलब कि उसके जमा कोष में अवशेष 5 रुपए ब्याज सहित वापस करने थे, ठीक है ना। 5 रुपए ब्याज सहित क्या करने थे, वापस करने थे। इसके बाद हमें कहना है कि ही हैड टू पे एट द टी शॉप। इसका मतलब हुआ कि ही हैड टू पे द एट द टी शॉप टू अली फॉर राइस बीडल्स एंड अदर ऑड्स एंड इंड्स, हाउस रेंट स्मॉल लोन एंड टू द फिश वोमेन। इसका मतलब हुआ कि ही हैड टू पे एट द टी शॉप। उसको पैसा कहाँ कहाँ चुकाना था, तो यहाँ पर देखिए, उसे चुकाने थे टी शॉप मतलब कि चाय की दुकान पर। कहाँ कहाँ, पहले चाय की दुकान पर अली को चावल, मतलब अली से चावल लिया था उसका, अली की चावल। इसके बाद बीडी और दूसरी इधर उधर, यहाँ पर बीड़ी लिखा है, बीड़ी और दूसरी इधर उधर जो भी वस्तु लिए था, और मकान का खर्च जो, और छोटे छोटे जो कर्ज, और मछली वाले से, मछली वाले औरत से लोन लिया था, कर्ज लिया था, उसको भी क्या करना था, उसे चुकाना था, ठीक है। इसके बाद है ही मेंटली,
ही मेंटेनली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। इसका मतलब क्या, उसने पूरी रकम जिस जिसकी आवश्यकता थी उसने पूरी रकम को क्या किया, गिना, अपने मन में सोचा कि हमें कितना उधार लिया है और कितना देना है, वो अपने टोटल रकम को मन में जोड़ा। ठीक है, ही हैड अदर नीड, ही हैड अदर नीड, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा कि उसे दूसरी भी आवश्यकता थी। ही हैड अदर नीडेड मतलब नीड्स, उसे दूसरी भी आवश्यकता थी मतलब और कुछ चीजों में भी लेन देन करना था। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद है द बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज कुड हार्डली सफिस। इसका मतलब हुआ कि द बैलेंस, इसका मतलब शेष 8.5 रुपए, शेष 8.5 रुपए मुश्किल से पर्याप्त थे, मतलब उसके पास जो 8.5 रुपए बचे थे वो भी मुश्किल से ही बचे हुए थे। ठीक है, इफ ही डिड नॉट पे, यदि वह नहीं चुकाता हिज डेब्ट्स, अपने लोन को यानी कर्ज को, टू द पर्सन, व्यक्तियों को, फ्रॉम होम हुम ही हैड टेकन, ही वुड हैव टू फेस अगली सिचुएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि वह अपने लोन को किसी भी व्यक्ति को जो उसने उधार लिया था उसको खराब स्थिति में सामना करना पड़ेगा, मतलब नहीं चुकाएगा तो। ठीक है, सिचुएशन मतलब होता है स्थिति। ठीक है ना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। इसके बाद है कि ही वुड बी सराउंडेड एज ए स्टे डॉग इज सराउंडेड बाई रोडी बॉयज विद स्टिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ध्यान से देखिए, जिस प्रकार भटका हुआ, यहाँ से ही वुड सराउंडेड स्टे डॉग, जिस प्रकार भटका हुआ कुत्ता उपद्रवी लड़कों द्वारा छड़ियों से घेरा घेर लिया जाता है, मतलब जिस प्रकार भटका हुआ कुत्ता एक घर से दूसरे घर जाता है, उसी टाइप की उसकी स्थिति बनी हुई थी उसके ऋण के कारण। ठीक है ना, अब हम आगे पढ़ेंगे जो कि इस फर्स्ट और सेकंड को पढ़िए, अब थर्ड नंबर को पढ़ेंगे।